गुरमुख प्यारियां ने किन्ने सुंदर ढंग नाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जस ते उन्हां दे चरणां नाल जुड़न की प्रेरणा संगत नूं दित्ती है। कितने सुंदर ढंग नाल इन्हां सारयां दा सारी संगत वल्लों गुरु घर वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद। एक शब्द पढ़ लो कोई हा 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 हा
सतनाम श्री वाहिगुरु जी साहब सारयां नूं ही चंगे कर्म करके साहब श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी जो दसे सतगुरु पातशाह महाराज जी दे सरूप हन जो तोहा जुगत साहे सह काया फिर पलटिया चबर तख्त दे मालक प्रदक सतगुरु उन्हां दा दर्शन सानूं हुंदा है। उन्हां दे सामने बैठण दा भी चंगे कर्मां द्वारा ही लाभ प्राप्त हुंदा है। वड्डी गल है जे तां साडे अंदर गुरु दा प्यार ते सिदक है फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो गुरु महाराज दे चरणां चों ना मिल सके। ते जे असा सिर्फ जवान चो कहण वाले ही हाँ कि साडे गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पिता गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी साडे आदि गुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी कहण नाल कोई बहुता लाभ नहीं हुंदा है। लाभ हुंदा है सिदक दा भरोसे का विश्वास का प्यार का गुरु महाराज के चरणों में। वो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने मनुख जन्म तो सानू सारयां नू ही दे दिता है जे अपना प्यार बख्श देन तद ये यात्रा सफल हो सकेगी। गुरु का प्यार मिल जाए तो फिर नाम गुरु पातशाह महाराज बख्शिश कर देंगे। इसे जन्म विच मोर्चा फतेह कर देंगे। सिज अविहा बार बहुड़ ना होगी जन्मड़ा। पर जे प्यार ना होवे सिर्फ जवान ते कहण मात्र ही होवे साडे गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडा पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर कोई असी लाभ नहीं बहुता प्राप्त कर सकते। साडा जीवन अकारथ ही
साढ़े हत्थां विच्चों निकल जांदा है। एक सिख विद्वान जो प्रचारक भी सी उदे हाथ विच एक पुस्तक आई, एक ओंकार सतगुर प्रसाद तो गुरु जी दे सिदक वास्ते भरोसे वास्ते। दरअसल जे सिदक है तो अणख है उस आदमी पास, गैरत है। जे सिदक नहीं तो इंसानियत भी नहीं, तो अणख भी नहीं, तो गैरत भी नहीं है। वड्डी गल गुरु ते सिदक दी भरोसे दी है। ये विद्वान ने वो पुस्तक तो मिली पढ़ी, हैरान हो गया भी इतना बड़ा पुलिस अफसर 2700 गुरबाणी दियां पंगतियां लभ के सिदक भरोसे वास्ते लिखा कि जे भरोसा है गुरु ते इस जन्म विच ही बेड़ा पार है, दुखां दी निवृत्ति परम आनंद की प्राप्ति होण विच कोई शक नहीं रह जांदा। जवानी कलामी नहीं, 2700 गुरु महाराज दियां लाइनां लब के एक पुलिस अफसर ने वो बुक लिखी। ये विद्वान दे जिसने पढ़ी यह उसके मन ते बड़ा असर होया। एक पुलिस अफसर, सीनियर पुलिस अफसर, DGP इन्नी खोज बाणी दी, इन्नी खोज तो कोई कोई गुरमुख प्यारा ही गुरबाणी दी कर सकता है। उदा एड्रैस मिल गया पुस्तक दे विच्चों, उदी रहायश चंडीगढ़ सी। उत्थे पहुंच गया है गुरमुख, उसनू जाके ये आपां इदां नहीं बई साखी सुना दिए बस वक्त पूरा कर लिए, इदां दी नहीं है। ये अपने जीवन वास्ते है कि साडा उधार किवें होवे, साडा भला किवें हो सकता है, उस वास्ते आपां याद करदे हाँ। उदां नहीं, साखियां तां पुस्तकां 'च भरियां पईआं, बेअंत विद्वान सुणाउंदे हन। साडा उधार किवें होवे, करना गुरु नानक महाराज जी ने आ, गुरु ग्रंथ साहिब जी ने आ, पर सानू की करना पएगा। इहदे पास पहुँच गया, इहदा नाम सरदार जरनैल सी, DGP अफसर सी चंडीगढ़। उहनूं खिच पई वी DGP पुलिस दा आला अफसर, इन्नी बाणी दी खोज बहुत विरले कोई गुरमुख हुंदे ने जिहड़े इन्नी गहरी सोच करदे। 2700 गुरबाणी दियां लाइनां लभ के उहदे च उहने दस्सिया सिदक दी की कीमत हुंदी है, ते मनुखा जन्म सफला किवें हुंदा है, इसे जन्म विच मोर्चा फतेह किवें हो सकता है, साडे संपूर्ण दुख किवें मिट सकते हन, ते किवें असी अपना मनुखा जन्म जाया कर लैंदे हाँ। जवानी कलामी नहीं, गुरबाणी दे लाइना कढ के उहदी खोजन सारे पुस्तक लिखी। ये विद्वान जिसने पढ़ी असर पिया ते उहदे घर गया चंडीगढ़ रहायस, बुक विच उसदा एड्रैस सी। जाके उसनू कहा थोड़ा जिहा टाइम चाहीदा है वखरा, दे दिता। कहिंदा वी तूं इक एडा वड्डा पुलिस अफसर समझो, DGP तां इक स्टेट दा ही हुंदा है, इन्नी गुरबाणी की खोज, पुलिस का महकमा। वह कहिंदा मैं तुहानूं दस दिना क्यों इन्नी मैं खोज कर सकिया, वजह की होई। कहिंदा इंदिरा गांधी जदों सीगी उदों की गल कीती उहने, वह कहिंदे अपने मंत्री मंडल दे समेत एक साधु को जांदी हुंदी सी, हिंदू साधु सी। वृंदावन विच कहिंदा उत्थे गई, नाल
उसकी मिनिस्ट्री मंडली भी सी मिनिस्टरां दी उसके नाल कोई भी काम करना है पहला उसका आशीर्वाद लेके वो फिर करती सी मैं भी कहिंदा नाल सी उस समय इंदिरा गांधी ने जो बेनती करनी सी ते उन्होंने मिनिस्टर वगैरह ने मिनिस्टर मंडली ने की उस बाद कहिंदा मेरी भी श्रद्धा बन गई उस साधु ते भी जब एडे एडे आदमी ये साधु ते श्रद्धा रखते हैं तो मैं भी क्यों ना फायदा उठा लवां कुछ हूँ आया हाँ एक कहिंदा जब मैनू समा मिलिया उधरों बेल होई तो मैं जाके झोली अड ली कहिंदे महापुरशो ये डी जी पी दे दसण दी गल है ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ तेरा लिबास है सिखी वाला तेनू शर्म नहीं आती मेरे बारे के आदमी के मूहरे झोली अड्डी बैठे ठीक है इन्हों को कोई साधन नहीं इंदिरा गांधी है होर मिनिस्टर मंडली इन्हों की है तू गुरु नानक महाराज का सिख हो के फिर मेरे मूहरे झोली अड़द किसी कोई होर मंगता बन के फिर दें तेन शर्म नहीं आती वो साधु कहता इसने डी जी पी ने आप लिखा सारा कुछ क्या मेरे मन से भी वो गोली वगू गल लगी कहना मैं फिर भी ढीठ हो के बेनती करेगी महाराज तुम इन कृपा की है मेरे ते भी करो वो डी जी पी कहना फिर ये साधु कहना चंगा फिर मेरे को कृपा करवानी है ये कह लगे हाँ महाराज आप जी कृपा करो चंगा कहते एक पेन पेंसिल ले ला पेपर ले ला एक पेन ले ला कहना मैं ले लिया मेरे पॉकेट सी बैग सी चंगा कहते लिख एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैपंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच पूछा कि सरदार जी ये दुनिया का सब तो बड़ा मंत्र है ये जपया करो जो चाहोगे मिल जाएगा जो चाहोगे हो जाएगा इस तो बड़ा दुनिया च कोई मंत्र नहीं है पर तुसी मेरे अगे गुरु नानक का सिख होवे और होर किसी अगे झोली अड्डे मैनू शर्म आउंदी है तैनू देख के वो डी जी पी कहता वो साधु ने कहा तू गुरु नानक का सिख हो के होर अगे झोली अड़द क्या मैं शर्म तो बहुत आई तो उन्हें यह पूरा मूल मंत्र लिखा दिता एक ओंकार तो हो सी पी सच तक कहते जपया कर इतना जो चाहेगा मिल जाएगा जो चाहेगा हो जाएगा कहना फिर मैं एक पासे जाके बैठ के इतना उच्ची उच्ची रोया फुट फुट के फिर मैं किन्ना घटिया आदमी हाँ तो गुरु नानक महाराज का सिख हो के गुरु कलगीधर पिता जी का सिंह हो के मैं फिर मंगता बनया होया हुआ थां थां झोलियां अड़दा फिरदा मैं किन्ना गिरिया होया मैं अरदासा कीतियां हे गुरु नानक पिता जी हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज आपने मैं मनुखा जन्म दिता है जब तक फिर सिखी सिदक भरोसा दृढ़ता बख्शो नहीं तो महाराज जी तू चंगा मेरी जान कढ लवो जो आप जी का सिख है उस अणख और गैरत हो सकती है और उस इंसानियत हो सकती है नहीं तो पशु बहुत तुरे फिरते कह मेरे मन च बार बार इदा दे फुरने आई गए वो डी जी पी वो विद्वान नूं दसदा कह थी मैं दो तीन दिन रोंदा रहा मैं किड्डी गलती की थी अपने गुरु ते विश्वास ना किया
मैं होर साधुओं के पास झोली अड्डी गया, उन्होंने मन में गुरु नानक महाराज का किड्डा वड्डा सत्कार है, तो सिखा तेरे मन में कुछ भी नहीं है, तो तू भटकता फिरदा थां थां झोलियां अड़ता फिरदा, तेन शर्म नहीं आती? क्या दो तीन दिन मैं कुछ नहीं खाधा, मैं रोंदा रहा। उस तो बाद मैं पाठ भी करता रहा मूल मंत्र का। मूल मंत्र के पाठ विच तो बेअंत ताकत है, आप जी भी पढ़ते हो सुनते हो बहुत कुछ ये वास्ते। पर फिर मैं गुरबाणी की खोज करनी शुरू की, फिर मैं ये बुक लिखी है एक ओंकार सतनाम। दृढ़ता गुरु ते भरोसा, विश्वास सिदक ते गुरबाणी दियां बुकां मैं 2700 गुरबाणी दियां मैं लाइना लभ के फिर बुक लिखी है। तो बार बार मैं अरदास करदा, हे सतगुरु महाराज जे मैनू सिख बनाया है तो मैनू भरोसा सिदक दे दिओ, नहीं तो इदू किन्ना चंगा, मेरे वर्गे पशु लखां फिरी जांदे ने, मेरे जान कढ लवो, मेरे प्राण निकल जाण जे मेरा सिदक आप जी तो डोलदा है। एडा वड्डा गुरु जिसनू एडे एडे साधु महापुरश कितना कुछ कहिंदे हन, तू गुरु नानक दा सिख हो के होरां दे पासों मंगदा फिरदा, झोलियां अड़दा फिरदा। फिर कहिंदा मैं इह बुक लिखी है। उस तो बाद मैं फिर कदे होर किसी जगह नहीं गया। हुण दे समें विच आपो अपने मन च चखती मार ली आपां, उस गुरु दे सिख हाँ जिस गुरु दा सिख कदे डोलदा नहीं है, खोपर लहा लैंदा है, पर सिखी सिदक नूं हारदा नहीं है। सिखी सिदक अपने श्वासां ग्रासां नाल नवा दिंदा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज उही स्वरूप हैं, इन्हां दे सिख बन के फिर भी भटकते फिरना है, इदू तो फिर आपां गुरु दे चरणां च अरदास करिए, सच्चे पातशाह फिर जिहड़े साह दित्ते ने कढ ला की फायदा सानू। तेरे सिख बने आ तेरे नाल निभ जावे, ते नहीं तो यह श्वासों का की फायदा है? सच्चे पातशाह अणखहीन गैरतहीन जिहड़ा सिख बन के सिखी नूं नहीं रख सकता, सिखी का सिदक नहीं है जिस दे अंदर, उहदे अंदर इंसानियत किवें टिक जाएगी? अणख गैरत उत्थे कित्थे टिक जाएगी? आपां सतगुरु पातशाह महाराज दे चरणां च यही अरदास करिए, हे सतगुरु जिहड़े सिख नहीं बने, सानू मनुखा जन्म बख्शिश कीता है, हुण साडे ते रहमत कर, सानू अपने चरणां नाल जोड़ ला, सिक्खी दी दात बख्शिश कर दे, अमृत दी दात बख्शिश कर दे। गुरु कलगीधर पिता जी का हुक्म है, ते
जिहड़ा सिख साडा हुक्म मनदा है उसनू असीं अपना मन लैंदे हाँ। गुरु जी का पहला हुक्म है पियो पहल खंडे तार हो जन्म सुहेला। हुण 4 तरीक नू अमृत दा बाटा तैयार होएगा, जतन करिए जे 4 तरीक तक वाहगुरु साह देवेगा सानू आपां गुरु दे चरणां नाल जुड़ जाइए। जिहड़े जुड़े हुए न तो फिर ऐ ना हो गया आपां थां थां भटकदे रहिए, कदे किसे पासे कदे किसे पासे कदे किसे पासे। उस तो तां अच्छा है उन्हें साडे प्राण दित्ते हन, वह प्राण कढ लवे साह कढ लवे गुरु नानक महाराज, पर सानू भटकण वाला ना बनावे। कृपा करे साडे सारयां ते, सारे आप जतन करो। हे सच्चे पातशाह, मनुखा जन्म दिता है तो सानू आप जी दे चरणों का सिदक भी दे दिओ। कृपा करो सारे आप अरदास करिए गुरु महाराज के चरणों च। हुण सारे गज वज के गुरु स्तोत्र विच रसना पवित्र करो। गुरु नानक साहिब जी तन है, गुरु नानक साहिब जी तन है। तन है तन है तन है गुरु अंगद साहिब जी तन है, तन है तन है तन है गुरु अमरदास जी तन है, तन है तन है गुरु अमरदास जी तन है, दास जी तन है, तन है तन है गुरु रामदास जी तन है, तन है तन है तन है गुरु अर्जन साहेब तन है, तन है तन है गुरु अर्जन साहेब तन है, तन है तन है तन है गुरु हरगोविंद साहेब जी तन है, तन है तन है तन है गुरु श्री हर राय जी तन है, तन है तन है तन है गुरु श्री हर राय साहिब जी तन है, तन है तन है तन है गुरु हर कृष्ण साहिब जी तन है, तन है तन है तन है गुरु तेग बहादुर तन है, तन है तन है गुरु तेग बहादुर तन है, तन है तन है तन है गुरु गोविंद सिंह जी तन है, गोविंद सिंह जी तन है,
तन है तन है गुरु ग्रंथ साहिब जी तन है तन है तन है तेरा पंथ खालसा तन है सतनाम श्री वाहे गुरु बोल सतनाम श्री वाहे गुरु बोल वाहे गुरु बोल वाहे गुरु वाहे गुरु बोल वाहे गुरु बोल प्यारे आ तेरा प्यारा लगेगा बोल प्यारे आ वाहे गुरु बोल प्यारे आ तेरा मिठड़ा लगेगा बोल प्यारे आ वाहे गुरु बोल प्यारे आ तेरा मिठड़ा लगेगा बोल प्यारे आ सतनाम श्री वाहे गुरु बोल सतनाम श्री वाहे गुरु बोल सतनाम श्री वाहे गुरु बोल वाहेगुरु बोल कदे ना डोल 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 हाँ सतनाम श्री वाहेगुरु बोल सतनाम श्री वाहेगुरु बोल बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहे जी अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक रीत है रंगत गुरु तिमरदास रामदासन जी सहाय अर्जन हर गोविंद नाव सिमराओ श्री हरि राय श्री हर कृष्ण जी तिहाई है जे जिठे सब दुख जाय गुरु तेग बहादुर सिमरै करणा निध्या वै तहे सब थाई होना जी सहाय दसवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सब थाई होना जी सहाय दसा पातशाहियां दी जागत जोत हाजरा जहूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर बाणी के बहुत काल जुकी ओढ़ चवरा तख्तां दे मालक हाजर नाजर पिता धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दर्शन दीदारां दा तिहंतर के बोलना जी सतगुरां दे साजे नवाजे पंज प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते हटियां जपियां तपी जिन्हां तेरा नाम जपिया बंड सकिया दिख चलाई तेग वाहि दे सुन के अंडिट कीता तिन्ना प्यारिया सच्चे आरियां दी पवित्र कमाई दा तिहंतर के बोलना जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्मेत सिदिते वंद वंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन नारायण चरवाए गए गुरुद्वारे लिसे वाले कुर्बानी कीतियां धर्म निहारिया सिखी किसां सुवासां संगन वाही तिन्हां दी पवित्र कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां गुरु धामां जोड़ मेलियां दर्शन दीदारियां महापुरखां दी करड़ी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी कौ वाहिगुरु 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 नाम चित्त आवे नाम चित्त आवन का सदका सब सुख होवे जहां जहां खालसा साहिब जी
ताहा ताहा रक्षा रियायत देखते फतेह भरत की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी भगसो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान भविक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत शर जिया दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बूंगे चुगाओ जुग टल धर्म का जयकार खालसा साहेब बुलड़ा जी आप जिया दे सिखा दा मानी वह मत उची मत पाते रखे ही अकाल पुरख वाहिगुरु जी आओ अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जी आओ ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारा गुरु धामा तो जिन्हां तो अपने प्यारे पंथ खालसा जिया नूं वसोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे पंथ खालसा जिया नूं बख्शो जी हीन माणिया दे माण सतगुरु जी उन ताणिया दे ताण सतगुरु जी ने ओटियां दी ओट सच्चे पिता धन धन साहिब श्री गुरु नानक दे महाराज जी आओ धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उच्चावरां तख्तां दे मालक हाजिर नाजर पिता धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी आओ धन धन दशम श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आओ आप जिया दे चरणा कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी है आप जिया दी कृपा रहमत सदका द्वारा महाराज जी आओ आप जिया दी महान कृपा द्वारा महापुरखां दी जादा विच्चे पातशाह जी आओ सेम दिन मुख रख दे सच्चे पातशाह महाराज जी आओ दीवान सजाए गए सच्चे पातशाह जी जन्म मरण दोहु हूं मैं नाही जन पर उपकारी आए जी दान ते भक्ति लाएन हर स्यों लैन मलाए भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर धन हर नामा परवान गणी सही एह आए सफलतना के कामा संत सहाई जी के भवजल तारन हर सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार दे महावाकन सर महाराज जीओ महापुरखां याद विच श्री मान संत बाबा ईसर सिंह जी राड़ा साहिब वाले महापुरख श्री मान संत बाबा किशन सिंह जी श्री मान संत बाबा तेजा सिंह जी श्री मान संत बाबा बलवंत सिंह जी लंगरां वाले श्री मान संत बाबा बरियाम सिंह जी धूरकुट वाले श्री मान संत बाबा जसवंत सिंह जी कुट्टे वाले महापुरखां दी यादां विच सलाना जोड़ मेले चल रहे ने सच्चे पातशाह महाराज जी आओ महापुरखां वालों दीवान सजाए गए महापुरखां नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी तंदुरुस्ती बख्शनी सच्चे पातशाह जी आओ तां जो कि भुल्लियां भटके रूहां नूं महाराज जी आओ हजूर दे चरणा दे नाल जोड़ देने सच्चे पातशाह जी महापुरखां नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी तंदुरुस्ती रखनी अपने पंथ खालसा जिया नूं चढ़दी कला बख्शिश करो सच्चे पातशाह जी आओ मेरा करनी आ सेवक परिवारां वालों सच्चे पातशाह जी आओ सेवावां कीतियां गईआं लंगरां दे विच सच्चे पातशाह जी आओ सरदार भुपिंदर सिंह सानप अमर सिंह जितवाल खुरद तो मासूम परिवार वालियों एक कड़ाह चौलां दा माता गुरमीत कौर जितवाल खुरद एक कड़ाह चौलां दा हरकीरत सिंह सानप दलीप सिंह वेगवाल तो एक कड़ाह चौलां दा काला सिंह सानप जीत सिंह पिंड कंगनवाल तो एक कड़ाह चौलां दा हरजिंदर सिंह सानप दलीप सिंह पिंड वेगोवाल तुम्हारे एक कड़ाह चौलां दा परमेसर सिंह पिंड धलेरकरां तो एक कड़ाह चौलां दा रामनदीप कौर 5500 रुपए भगवंत सिंह खुरद 1100 रुपए गोवतदान 1100 रुपए प्रेम सिंह 500 रुपए मलकीत सिंह 500 रुपए बलवीर कौर 500 रुपए भवनदीप सिंह 500 रुपए सुखदेव सिंह 500 रुपए गुरजीत सिंह 500 रुपए अमरजीत सिंह जितवाल कलां तुम्हारी 500 रुपए सेवावां कीतीं गईं सच्चे पातशाह जीओ सावना सेवक परिवारां दी सेवावां थाए पाउणियां सतगुर की सेवा गाखड़ी शरदी जय आप गवाए दे महावाकां अनुसार सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चंदिया फल पावणा होमै विचों जाए दे महावाकां अनुसार कृपा करो सच्चे पातशाह जीओ आईआं सावना संगतां दीआं हाजरीआं लेखे विच लाओ आईआं संगतां नूं आप जीआं दे दरगाही सच्चे पातशाह महाराज जी महापुरखां दे वचन सुणाए गए सच्चे पातशाह जीओ महापुरखां दे सजाए दीवानां विच बेअंत सच्चे पातशाह
ਮਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਵਿਸਰੀ ਜੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਖੰਡੇ ਵਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ, ਜਗ ਮਗ ਜੋਤ ਵਿਰਾਜ ਰਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਵਚਲ ਨਗਰ ਮਝਾਰ ਸੱਚ ਖੰਡ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਗਾਹੀ ਇਲਾਹੀ ਅਗੰਮੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੈ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰ ਜਾਵੇ ਨੇ ਹੋਰ ਆਜੋ ਪਤੇ ਪਾਵੇ ਸਤਸ੍ਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਪੁਰ ਰਾਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸੇ ਭੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਔਰ ਤਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ, ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਔਰ ਤਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਕਿਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ, ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ, ਤਿਨਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਣ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ,
हर नानक कंठ मझारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका वाहुर कछ ना विचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मझारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पारसनाथ बाच रुआल छंद, सुवरन कीना इति कमी, जो टूट है बहु बरख। हस्त कीना कमी मुझे है, सार लीजे परख। सुवरन कीना इति कमी, जो टूट है बहु बरख। हस्त कीना कमी मुझे है, सार लीजे परख। और जो तन चाहिए सो लीजिए अब चार, चित में ना कछु करो सुन मंत्र मित्र अवतार। यो जब नृप उचरो तब मंत्र बार सुन बैन, हाथ जोर सलाम कै नृप नीच कै जुग नैन। और एक सुनो नृपोतम उचरो एक गाथ, जौन मत सुनी पुरानन और सिमरत साथ। और एक सुनो नृपोतम उचरो एक गाथ, जौन मत सुनी पुरानन और सिमरत साथ। गज के जकारे जावे, निहालो जावे, फतेह पावे। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।